नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हमारे देश में एक खींचतान चली आ रही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। ये तेरा पत्रकार और ये मेरा पत्रकार के बारे में बात करेंगे। आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा है? क्या पत्रकारिता की यही परिभाषा रह गई है कि ये तेरा पत्रकार और ये मेरा पत्रकार? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश कह रहा है। खुद हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां इसे साबित करने पर तुली हुई हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया अलायंस ने एक सूची जारी करी थी जिसमें 14 पत्रकारों का नाम था और उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता इन पत्रकारों के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पत्रकार, ये एंकर्स देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, केवल हिंदू और मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं। ये सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछते, केवल विपक्ष को हमेशा कटघरे में रखते हैं। वैसे शायद इसमें विपक्ष को कुछ भलाई नजर आई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह आता है कि अगर आपको बहिष्कार ही करना था तो आपने उन एंकर्स का क्यों किया? आपने उन टीवी चैनल्स का बहिष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पीछे भी आपका स्वार्थ है, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपने उनका बहिष्कार कर दिया तो फिर आप अपनी गाथा सुनाने के लिए एड्स किसको देंगे, जिसके जरिए अपना प्रचार कराएंगे? और अब तो चुनाव भी सिर पर है। यहां आपको एक बात और भी बतानी जरूरी है कि टीवी चैनल्स में एंकर्स की भूमिका इतनी होती है कि जो आपको पका कर परोसा जा रहा है वो आपको खाना है, यानी जो आपको लिख कर तैयार करके दिया जा रहा है आपको केवल उसे पढ़ना है, बताना है। आपको केवल वो एजेंडा चलाना है जो चैनल चाहता है। हाँ, अगर आप बहुत सीनियर हो चुके हैं और बड़ी पोस्ट पे हैं तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। वहां पर आप अपने हिसाब से अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने हिसाब से बात को घुमा फिरा सकते हैं। खैर, यह बहुत लंबा विषय है, इस पर कभी और बात करेंगे। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। वो मुद्दा है ये तेरा पत्रकार और ये मेरा पत्रकार, यानी सरकार के पत्रकार जो टीवी पर आते हैं और विपक्ष के पत्रकार जो किसी कारणवश टीवी की दुनिया छोड़ अब डिजिटल मीडिया पर अपनी दुकान चला रहे हैं। इसी मुहिम पर चर्चा शुरू करने से पहले यहां हम सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम ना ही सत्ता पक्ष के साथ हैं और ना ही विपक्ष के। हम केवल सही को सही और गलत को गलत कहने का प्रयास कर रहे हैं। हम खबर को खबर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना पक्ष और ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब आपको इस पत्रकारिता की दुनिया की सच्चाई दिखाते हैं कि आखिर हमारे देश में पत्रकारिता के नाम पर हो क्या रहा है। दरअसल देश में पत्रकारिता का मतलब रह गया है सत्ता का पक्ष और विपक्ष, यानी आप अपने कुछ निजी हितों के चलते कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल यह दिखाना चाहते हैं कि ऐसी सरकार तो कभी आई ही नहीं, देश में कुछ समस्या है ही नहीं, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। जबकि एक वर्ग ऐसा है जो यह साबित करने पर लगा हुआ है कि देश में जब से बीजेपी सरकार आई है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और ना ही कुछ अच्छा हो रहा है, और अगर यही सरकार रही तो भविष्य में देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब सरकार का विरोध करते करते अपने निजी स्वार्थों के चलते वो इस मुकाम पर आ चुके हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इन्हीं सब कारणों से जनता का अब पत्रकारिता पर से विश्वास उठता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक सर्वे कह रहा है। दरअसल इसी मामले को लेकर एक सी वोटर सर्वे कराया गया है जिसमें जनता से सवाल पूछा गया कि अखबार और न्यूज चैनल में आपको कौन ज्यादा निष्पक्ष लगता है। तो 34% लोगों ने कहा अखबार, 33% लोगों ने कहा न्यूज चैनल, और 33% लोगों का कहना था कि जी हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब देश की एक तिहाई जनता को अब ना अखबारों पर विश्वास है और ना ही न्यूज चैनलों पर विश्वास रह गया है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने कुछ निजी हितों के चलते
हमने लोगों के प्रति, जनता के प्रति अपने विश्वास को खो दिया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इसका कितना पालन कर रहे हैं। पत्रकारिता का धर्म होता है खबर, यानी जो खबर है उसे खबर की तरह पेश करना, बिना किसी उतार चढ़ाव के, बिना किसी लार लपेट के और बिना किसी निजी स्वार्थ के। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा हो रहा है और आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा, कब तक हमारे देश की जनता को गुमराह किया जाएगा और कब तक आप केवल एजेंडा चलाते रहेंगे। हमें इस विचारधारा से आगे बढ़ने और जनकल्याण के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।